हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एनिमे रिव्यू के, जो कि मैंने रैंडमली चूज किए हैं। एंड ये एनिमे पूरे देखने के बाद ही मैंने ये सोचा कि इन पर रिव्यू करूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे हैं। तो आज की ये वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 3 पर है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 3 ही एनिमे रखी है। नेसे कोई, ये एनिमे हारेम कॉमेडी रोमांटिक कॉमेडी एनिमे इसका है। इस एनिमे के 2 सीजन हैं एंड 1 ओविया भी है, जिसमें कि सीजन 1 के 20 एपिसोड, ओविया 4 एंड सीजन 2 में 12 एपिसोड है। तो जो स्टोरी है वो राकू इचिजो जो कि अपने चाइल्डहुड में 10 ईयर्स बैक किसी लड़के को प्रॉमिस करता है कि वो उससे मैरिज करेगा, बट अब उसे उसका ना चेहरा ना कि उसका नाम याद है। बट उसकी निशानी एक लॉकेट उसके पास है एंड उसकी चाबी किस लड़की के पास होगी उसे पता नहीं। हाई स्कूल के फर्स्ट डे पर उसकी मुलाकात चितोगो किरासाकी से होती है, बट उसे मुलाकात नहीं कह सकते, वो तो उसके मुंह पर नीज मार के उसे तो नॉकआउट ही कर देती है, जिसकी वजह से वो लॉकेट भी उससे खो जाता है बट बाद में मिल जाता है। एंड अभी प्रेजेंट में ओनोदेरा जो कि राकू की क्रश है एंड ओनोदेरा को भी वो पसंद है, बट वो दोनों एक दूसरे से कहने के लिए बहुत ही शर्माते हैं। वैसे भी दोनों तरफ आग लगी है तो पानी कहाँ डालेगी। स्टोरी में एक और टर्न आता है जब राकू को पता चलता है कि जितोगे जो है वो राइवल बॉस की डॉटर है एंड उनमें जो गैंग वॉर चालू होते है उन्हें रोकने के लिए राकू एंड चितोगे को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा कुछ मंथ्स के लिए, जिससे कि सिटी खल्लास ना हो। बट वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग होते हैं, मतलब वो एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते एंड एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं। जब राकू को पता चलता है कि चितोगे और ओनोदेरा उन दोनों के पास लॉकेट की चाबी हो सकती है, तभी स्टोरी में एक और टर्न आता है, एक और न्यू लड़की की एंट्री हो जाती है। स्टोरी में और भी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, कॉमेडी एंड लास्ट तक आपको बहुत ही मजा आने वाला है देखने में एंड शायद से और भी एपिसोड आ सकते हैं इस एनिमे के। नंबर 2 पर है द पेट गर्ल ऑफ साकुरा साव। ये एनिमे कॉमेडी रोमांस ड्रामा एनिमे है एंड इसके 24 एपिसोड है। ये जो रोमांटिक कॉमेडी एनिमे है वो सेकेंड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट सोरता केंदा इससे शुरू होती है। वो उसकी जो लाइफ है वो बहुत ही बोरिंग एंड ऐसे ही कट रही होती है जब तक कि वो साकुरा साव में आता नहीं एंड वो आना भी नहीं चाहता होता है। एक्चुअली में वो अबैंडेड कैट को कभी अकेला नहीं छोड़ता, मीन्स अगर कोई कैट उसे ऐसे ही रास्ते पर किसी ने रख दी होगी वैसा देखता है तो वो उसे अपने स्कूल रूम में ले जाता है, पर ये रूल्स के खिलाफ होता है पेट रखना, इसकी वजह से उसे साकुरा साव में आना पड़ता है। साकुरा साव की एक बात होती है कि वहाँ सिर्फ गिने चुने स्टूडेंट होते हैं एंड वो स्टूडेंट जो कि अदर स्टूडेंट के साथ नहीं रह सकते एंड वो जो है जो साकुरा साव में वो सभी बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और उन्हीं की इंटेलिजेंट की वजह से वो साकुरा साव में होते हैं एंड हाँ वो सच में नमूने है। एंड अभी इन नमूनों में और एक स्टूडेंट आ चुका है जो कि इन सभी से बहुत अलग एंड एवरेज स्टूडेंट है, बट वो इनमें सभी से एक है, यानी कि वो यहाँ फंस चुका है। बट स्टोरी और इंटरेस्टिंग होती है जब माशिरो शीना एक क्यूट गर्ल एंड ब्रिलियंट आर्टिस्ट साकुरा साव में रहने के लिए आती है। सोरता जिसे कि उसकी जिम्मेदारी देती है, स्टार्टिंग में सोरता को पता नहीं होता कि शीना एक बहुत ही इंटेलिजेंट आर्टिस्ट यानी कि पेंटिंग करती है, बट उसे संभालने के लिए जिम्मेदारी उसकी मिलती है। ये स्टोरी बहुत ही इमोशनल सीन्स से भी भरी पड़ी है एंड बहुत ही अच्छी मज़ेदार है एंड इंटरेस्टिंग भी है। तो आज का जो लास्ट एनिमे है जो कि मैं बताने वाला हूँ, शॉर्ट है बट स्वीट एनिमे है एंड 80 प्लस भी है। वार्निंग दे रखिए, आप समझना ना समझना आपकी जिम्मेदारी है। तो लास्ट एनिमे जो आज का वो है ओकुसामा गा से तो काइचू। इस एनिमे के ओविया भी है एंड स्पेशल एपिसोड भी है। हर एपिसोड का रन टाइम जो है वो 8 मिनट का है एंड टोटल जो सारे एपिसोड है वो 25 है। अगर आप चाहे तो 25 एपिसोड एक ही रात में खत्म कर सकते हो, जैसे कि मैंने किए एंड साथ ही में एक और एनिमे के 6 एपिसोड भी देख चुका उसी रात में, लाइक रियल ओटाकू। तो ये हाई स्कूल की स्टोरी है जिसमें कि स्कूल प्रेसिडेंट न्यूली असाइंड होती है एंड वो स्कूल में लव अफेयर को अप्रूव करती है, जिसकी वजह से वो प्रेसिडेंट बनती है एंड जो वाइस प्रेसिडेंट बनता है इसमें उसे बाद में पता चलता है कि जो न्यू प्रेसिडेंट है वो उसकी वाइफ बनने वाली है, बिकॉज ऑफ उसके पेरेंट ने उसके पेरेंट को प्रॉमिस किया था, जिसकी वजह से ये मैरिज पहले ही फिक्स हो चुकी है। प्रेसिडेंट जो है वो इजुमी के घर रहने आ जाती है एंड यही पर स्टोरी का ये ट्विस्ट है, जिसमें कि अब बॉय एंड गर्ल अंडर अ वन रूम, बहुत कुछ होने वाला है स्टोरी में, न्यू अफेयर्स एंड एक्सीडेंट हो गए जिसमें कि बहुत सारे लोग जलेंगे, मीन्स एनिमे में। तो आज का ये वीडियो तो मैं यही खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना गाइस। मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में, बाय बाय।
फिर क्या बोलता गरज आज हो गया मरत को बाइकों की गरज मेरे को काइको ने गरज मैं अकेला बरस मैं सरस मैं चरस मैं बरसेंगा तू मेरे को मिलने को 10 टाइम तरसेंगा।